आप देख रहे हैं आपका घर आपका वास्तु। किस तरह से अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है आप उसे दूर कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी। और साथ ही साथ इतना सटीक यहाँ पर उपाय बताएंगे बिना तोड़फोड़ के, जैसी आपकी कंस्ट्रक्शन है ठीक वैसा ही रहेंगे। तो जो भी सवाल आपके मन में है या जो भी दोष कोई ऐसा आपके घर में है आप यहाँ पर जान सकते हैं क्या दोष है, कैसे दूर हो सकता है उस नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपके सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे और साथ ही साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमको ये भी बताएंगे, वास्तु विशेषज्ञ हमको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्शन है, जिस तरह से हम कल भी आचार्य जी यहाँ पर बात कर रहे थे उस बारे में भी। हालांकि डायरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सवालों के जवाब इतने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आज हमारा आज का जो मेन मुद्दा है उस पर मैं बात करूंगी कि अगर कोई अपने घर पर बनाना चाहता है ऑफिस तो क्या डायरेक्शन का उसको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, क्या सही दिशा होनी चाहिए। जी हिमानी, वास्तु जो है पूरी तरीके से ऊर्जा का विषय होता है और यदि आपने किसी विशेष कार्य से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए आपने कोई गलत ऊर्जा और गलत दिशा का चयन कर लिया उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके घर में यदि आप अपना कार्यालय बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं, या अपने ऑफिस में भी आपने स्वयं अपने लिए गलत स्थान चयन कर लिया, आपका व्यापार कदापि नहीं चलेगा। आपका जो धन था, संचित धन था, उसमें भी लगातार निरंतर आप हानि का सामना करते रहेंगे। इस तरीके की बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज है, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा तोड़फोड़ नहीं करना, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। आप सिर्फ स्थान परिवर्तन करके कुछ चीजें और ऐड करके कुछ चीजें हटा करके आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल लाभ ले सकते हैं और इसी लाभ को लेने के लिए इस वक्त कर्नाटका से हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानना चाहते हैं, क्या दोष है जो आप यहाँ पर दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं आचार्य जी से पूछकर? नमस्कार, बताइए मनोज। सर, ये हमारे घर में जो टॉयलेट है जी वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ बिना तोड़फोड़ किए क्या उसका कुछ उपाय हो सकता है क्या? जी मनोज, निश्चित हो सकता है। आप उस टॉयलेट को सबसे पहले तो बंद कर दें, साफ सुथरा करके उसको बंद कर दें और उसके प्रवेश द्वार पे टॉयलेट की जो एंट्री है वहां पे एक ऑक्टोगोनल अर्थात अष्टभुजी शीशा जिसकी आठ भुजाएं बराबर हो वो लगा दीजिए और उसके बाहर बाहर आप 1.5 इंच चौड़ी लाल रंग की पट्टी खींच सकते हैं जिससे आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि मनोज आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन आचार्य जी, बड़ी अच्छी चीज आपने यहाँ पर बताई, शीशे वाली जो एक है उस पर भी मैं विस्तार से बात करूंगी, लेकिन विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आप क्या जानना चाहते हैं? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी, बताइए। हेलो, हेलो जी, बोलिए, सुन रहा हूँ, बताइए। अरे सर, क्या कहते हैं, मेरा एक 35 गज का एक प्लॉट है जी, उसमें मैं नीचे एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ जी। मैं ये चाह रहा था कि क्या कहते हैं ऑफिस का लोकेशन किस टाइप से बढ़िया रहेगा, कहाँ मेरा बैठने का रहेगा जी। मेरा बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप जिस समय आप निर्धारित करते होते हैं, जिस समय आप निर्माण कर रहे होते हैं, अगर आप उस समय चयन कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपके लिए करना यह है कि आप अपने जो भी आपका प्लॉट है उसका दक्षिण पश्चिम कोना, जिसको हम लोग नैरक्त कोण बोलते हैं, अर्थात दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो स्थान होता है अपने मालिक के लिए। तो आप उस जगह पे अपना जब ऑफिस बना लेंगे आपका निरंतर अपने व्यापार पर नियंत्रण बना रहेगा, कंट्रोल बना रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं और काफी अच्छा प्रश्न भी क्योंकि आज के दिन हम इसी पर बात भी कर रहे हैं कि अगर कोई अपने घर पर ही बनाना चाहता है ऑफिस, क्या सही डायरेक्शन होनी चाहिए बिना किसी तोड़फोड़ के, वो उपाय तो हमें ठीक 2:18 पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी कुछ जानना चाहते हैं। कमल, आप क्या जानना चाहते हैं, आप अपना प्रश्न करें। हेलो पंडित जी। जी बताइए कमल। अरे प्रणाम। प्रणाम, बताएं। सर मेरे एक्चुअली घर में ये प्रॉब्लम, मेरे पिताजी पिछले 2 साल से बीमार चल रहे हैं जी, थोड़ा ठीक होते हैं फिर वापस बीमारी पकड़ लेती है और बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है जी। कमल, आपके घर में उत्तर पूर्व में कहीं कोई बहुत बड़ा दोष है, आपको मैं सलाह ये दूंगा कि उत्तर पूर्व के कोने को साफ कर ले। यदि वहां पे संभव हो सकता है तो कुछ दिन के लिए, 3 से 4 महीने के लिए अपने पिताजी के लिए एक स्थान निर्धारित कर दें जहां पे वो कुछ समय व्यतीत कर सके, या यदि संभव हो सकता हो कोई कमरा हो तो पिताजी को उत्तर और पूर्व के कमरे में अर्थात ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनको शिफ्ट कर दीजिए। यकीन मानिए कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। जब उनका स्वास्थ्य लाभ शुरू हो जाए तब आप उनको दक्षिण पश्चिम के कोने में रखिए, उनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे आप मेल के थ्रू जुड़ें या फिर आप कार्यक्रम के दौरान ही अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो नंबर लगातार फ्लैश कर रहा है आप उस पर अभी बात हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेल करने के लिए आप हमें हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं aapka.vastu@network18online.com पर। लेकिन हाँ, अपना नाम और जो भी लोकेशन है जहां आप रहते हैं प्लेस जरूर यहां पर आप उसके साथ लिख कर दें। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र दिल्ली से। देवेंद्र, आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार देवेंद्र जी। मैं डीडी फ्लैट में रहता हूं जी, और घर के एंट्रेंस के एंट्रेंस करते ही जो है लेफ्ट से टॉयलेट है जी, और आगे चल के हम ड्राइंग रूम है, और जो हमारी फ्लैट की दिशाएं पड़ती हैं चारों कोनों की, वो उनमें दिशाएं मतलब पूर्व ईस्ट वो कोनों से निकलती हैं जी। मैं समझ गया देवेंद्र, आपकी परेशानी, आपका चिंता का विषय मैं समझ गया। देखिए, घर में एंट्रेंस करते ही प्रवेश द्वार पे शौचालय, टॉयलेट ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे घर में आने वाली ऊर्जा दूषित होती है। प्रवेश द्वार ही वो एक ऐसी जगह है जहां से घर में शुद्ध ऊर्जा का संचरण होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में मुख से रोग अंदर जाते हैं, उसी तरीके से घर में नाना प्रकार के दोष प्रवेश द्वार से जाते हैं। तो आपको करना यह है कि एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी मनोरम सी पेंटिंग ले लें, और अपने प्रवेश द्वार के पास जहां पे आपके टॉयलेट की वॉल है, जहां से आप अंदर जाते हैं, आप वहां पे वो पेंटिंग लगाइए जिसको देख करके मन में कुछ शुद्ध ऊर्जा आए, अच्छी भावना आए, आप वो लगाइए, तत्काल दोष दूर हो जाएगा। तत्काल दोष दूर हो जाएगा, जो यहां पर टिप्स आपको आचार्य जी बता रहे हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो। इस वक्त हमारे साथ चांदनी जुड़ गई है महाराष्ट्र से। चांदनी, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्ते मंडी जी। नमस्कार चांदनी जी। मैं जानना चाहती हूँ कि शादी को 4 साल हो गए हैं पर अभी बच्चे नहीं हुए हैं, तो उसका कोई उपाय होता है? जी, उसके लिए उपाय होता है, उसके लिए करना आपको ये है कि आप दोनों पति पत्नी के लिए घर का उत्तर और पश्चिम का कोना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। आप कुछ दिन तक उस स्थान को अपना शयन कक्ष बना लीजिए। उत्तर और पश्चिम का कोना अर्थात नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर जो है किसी भी नव दंपति के लिए या संतान की आकांक्षा रखने वाले कपल के लिए बहुत अच्छा होता है। आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपना बेडरूम बना ले, आपको बहुत जल्दी संतान प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो हम आपको हर दिन एक चमत्कारी यहाँ पर उपाय बताते हैं, सटीक उपाय बताते हैं। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो किस तरह से आप उसे दूर करते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, ये हमें आचार्य जी बताते हैं। आज हम जानेंगे ठीक 2:18 पर कि कैसे आपके व्यापार में, बिजनेस में जो बाधा आ रही है उसे आप दूर करें, कैसे नौकरी में अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको आ रही है कैसे आप दूर कर सकते हैं, बार बार हो रही इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, ये हमें बताएंगे ज्योतिष आचार्य और वास्तुशास्त्री वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, यहाँ पर बात हुई थी शीशे की जी, क्या ये एक इसके पीछे फंडा है? हमारी अक्सर लोग नहीं समझ पाते, आप अक्सर लोगों के घर में देखते होंगे, लोग कहीं भी दर्पण लगा देते हैं। शीशा सोर्स ऑफ एनर्जी इतना बड़ा है, जो घर में शुद्ध ऊर्जा को मूवमेंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं वास्तु दोष निवारण के लिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज वास्तु है। अगर शीशा होता, अगर वास्तु में किसी भी चीज का प्रयोग होता है जिससे आप ऊर्जा को शिफ्ट कर सकते हैं, आपने ध्यान दिया होगा मैंने विगत एपिसोड में बताया था कि घर में जब रसोई गलत हो तो आप शीशा लगा करके पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से गलत शीशा अगर लग जाए तो आपको बहुत बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। यदि कहीं आपके घर में दोष है तो उस जगह पे किसी भी योग्य वास्तुशास्त्री की सलाह से, उनके आप सलाह लेकर के, उनके आप सुझाव के साथ अगर आप शीशा लगाते हैं तो आपको उस दुष्प्रभाव में, उस निगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिल जाएगी। बिल्कुल, तो काफी अहम चीज आचार्य जी ने हमें यहां पर बताई है। तो घर में अगर इस तरह की कोई परेशानी आ रही है कि लगातार पैसों की कमी हो रही है, बार बार व्यापार या फिर नौकरी में आपको कोई परेशानी है, बाधा है, जिस वजह से आप यहां पर परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, आप उसका उपाय कर सकते हैं, और वो भी घर में बिना किसी तोड़फोड़ के। हमारे लाखों दर्शक हर रोज घर के वास्तु दोष को दूर कर रहे हैं, सबको इसका फायदा हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं होगा? आप भी इसका लाभ उठाइए और आज ही जानिए चमत्कारी और प्रमाणिक वास्तु दोष का उपाय। इसका असर देर से नहीं बल्कि चुटकियों में होगा। जी हाँ, देखते ही देखते आपका जो दुख है वो खुशी में कब तब्दील हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अभी 2:18 का इंतजार। हमें बताएंगे आचार्य जी यहां पर कि कैसे आप ये सटीक उपाय यहां पर कीजिए बिना किसी तोड़फोड़ के। तो घर पे जो खासतौर पर महिलाएं हैं वो इस बात को ध्यान दें।
तो यकीन मानिए जब मैंने आपसे वादा किया तो ऐसा नहीं है कि मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगी, करूंगी ठीक 2:18 पर। इस वक्त अभिषेक की बात सुन लेते हैं, अभिषेक क्या कह रहे हैं। अभिषेक क्या सवाल आपका? हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारे घर में असल में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन है जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज्यादा होता है जी, तो आचार्य जी इसका उपाय बताएंगे आपको? अभिषेक मुझे आप ये बताइए कि किचन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है और उसका प्लेटफॉर्म किस दिशा में है? फॉर्म आपका साउथ में, मतलब जब कुकिंग करते हैं तो साउथ में फेस करते हैं। अभिषेक बहुत गलत होता है, आप यदि एक सनातन परंपरा को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, हिंदू मान्यता को मानते हैं, तो आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछिए, अपनी माताजी से पूछिए कि दक्षिण मुखी खाना कब बनता है। दक्षिण मुखी खाना सिर्फ उन्हीं 13 दिन में बनता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आप अच्छा से अच्छा खाएंगे तो आपका मन, आपका शरीर कभी भी सुखी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। आप एक अशुद्ध भोजन कर रहे हैं जिसको राक्षसी भोजन कहा जाता है, आप वह भोजन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि आप कोई बहुत बड़ा तोड़फोड़ ना करें, अपना प्लेटफॉर्म या एटलीस्ट सिर्फ गैस चेंज कर लें, पूर्व मुख होकर के खाना बनाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट से किचन हटाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं हटा सकते। तीनों तरफ प्रवेश द्वार पे तीनों तरफ यदि आप स्वास्तिक चिन्ह बना देते हैं और नियम से उनको धूप दीप दिखाते हैं, आपका वास्तु दोष, किचन का दोष तत्काल दूर हो जाएगा। किचन के दोष से बड़ा आपका प्लेटफॉर्म का दोष है। तो प्लेटफॉर्म मतलब आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो तुरंत इधर से उधर, मतलब थोड़ा सा जी वो हटाया जा सकता है, मानी सिर्फ गैस को शिफ्ट करने की बात है। यदि चूल्हा व्यक्ति अगर मूव कर देता है उस जगह से तो ही उसको बहुत बड़े लाभ मिल जाते हैं। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आम जनमानस बहुत बड़ी गलतियां, छोटी चीज जरूर है लेकिन काफी बड़ी चीज जो आचार्य जी आपने यहाँ पर बताई। नरेश इस वक्त क्या जानना चाहते हैं, हम सीधे नरेश के पास रुक करेंगे। नरेश आपका क्या सवाल? हेलो जी, जी जी बताइए। हेलो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी बताएं। नमस्कार पंडित जी, मेरा लड़का है नवीन कुमार जी, और 2/10/1987 उसकी बर्थडे जी। आप प्रश्न बताइए। प्रश्न बताएं नरेश जी। है जी प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उसके नौकरी के बारे में पता करना था, उसके नौकरी। नरेश जी आप अपने संतान को, अपने बालक को अपने घर के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में कोई कमरा दे दीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका बच्चा समय से स्थापित हो जाएगा कार्य क्षेत्र में। बिल्कुल, तो आपके घर में भी अगर कोई वास्तु दोष है, कोई परेशानी ऐसी आ रही है जो मतलब जिस वजह से आपके काम जो है नहीं बन रहे, क्या आखिर वास्तु दोष है, क्या सही डायरेक्शन होनी चाहिए, ये हमें आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे एक चमत्कारी उपाय के साथ। यहाँ पर आचार्य जी हमको बताएंगे कि अगर आप घर में ऑफिस बनाना चाहते हैं क्या उसकी सही डायरेक्शन, ये तो हमने जान लिया लेकिन क्या प्रयोग होने चाहिए ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आपका घर आपका वास्तु, और अब ठीक वो शुभ घड़ी, ठीक वो वक्त आ चुका है जिस वक्त आचार्य जी ने हमें यहाँ पर कहा था कि हाँ वो यहाँ पर हमें सदस्य करेंगे कि क्या आप कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के। तो आचार्य जी अब देर किस बात की, आप बताई दीजिए जी। हिमानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जब भी कोई व्यक्ति अपना ऑफिस बनाता है, अपना नया व्यापार शुरू करता है तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ शुरू करता है। या आप अपने घर से करें या आपने कहीं कोई अलग स्थान ले रखा हो, आपकी फैक्ट्री है, आपके अपने ऑफिसेज हैं, प्रतिष्ठान है, दुकान है, लेकिन सारी मेहनत के बावजूद भी, सारे उपाय करने के बावजूद भी अगर उसमें लाभ ना मिले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान कभी भी अपने स्थान के वास्तु दोष पर नहीं जाता। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपने अपने लिए जो स्थान निर्धारित किया है, अपने बैठने का जो ऑफिस बनाया है, वो किस दिशा में बनाया है। यदि आप अपना घर बनाते हैं, अपने घर में ऑफिस बनाते हैं तो भी वो आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, किसी भी फ्लोर पे हो सकता है। आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दक्षिण और पश्चिम का कोना जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, वो किसी भी मालिक के लिए, व्यवसाय के मालिक के लिए, व्यापार के मालिक के लिए, मुखिया
के लिए बहुत अनिवार्य जगह होती है। उस जगह पर अगर आप अपना ऑफिस बनाते हैं तो आपका पूरा नियंत्रण बना रहता है अपने व्यापार पे, अपने कर्मचारियों पे, और उसी के साथ साथ आपका व्यापार बहुत अच्छे से फलता फूलता है। यदि आप कहीं बाहर दूसरी जगह ऑफिस की जगह लेते हैं, आपका दूसरा ऑफिस सेपरेट स्पेस है, तो उस जगह में भी आपको दक्षिण पश्चिम का कोना ही अपना स्थान चयन करना चाहिए, और अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, अपने सहयोगी कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक स्थान है, वो है फिनांस डील करने वालों के लिए, तो उनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात उत्तर और पश्चिम का कोना उनके लिए बहुत उपयुक्त होता है। जब भी बैठे तो पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के बैठे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें, अब यह समय है आपके बहुत चुटकियों में लाभ लेने की, यह उपाय अवश्य करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपने ऑफिस में, अपने घर के ऑफिस में दक्षिण पश्चिम में नहीं बैठ पाते हैं तो क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दक्षिण दीवार पर एक ऐसा पोर्ट्रेट, ऐसा चित्र लगाएं जिसमें भारी पहाड़ हो। भारी पहाड़ से सेंस ये बनता है, ये सांकेतिक वास्तु होता है जो आपके गिरते हुए व्यापार को, व्यवसाय को स्थायित्व देता है, एक मजबूती प्रदान करता है, आपके बैठने के स्थान को और मजबूत करता है, आपका जो नुकसान है वो वहीं रुकेगा। उसी के साथ साथ सबसे बढ़िया और एक दूसरा उपाय यह है कि आप बड़े बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में लाल रंग से अपने फर्म का नाम, अपने प्रतिष्ठान का नाम, यदि आप अपने नाम से व्यापार करते हैं तो अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में दक्षिणी दीवार पर लिखवाइए, लाल रंग से लिखवाइए, आपके व्यापार की वृद्धि होगी, आपकी कीर्ति विश्व में चारों तरफ फैलेगी। बिल्कुल, तो काफी एक सही सजेशन यहाँ पर जो हमें यहाँ पर आचार्य जी ने बताया, उपाय यहाँ पर बताया, बहुत ही प्रमाणिक ये उपाय है। और आप अगर इसी तरीके से जो दिशा, जो डायरेक्शंस यहाँ पर हमें आचार्य जी ने बताई है इन्हें फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, तो देखिए कैसे चुटकियों में आपको, आपके जो भी घर में जो वास्तु दोष है वो यहाँ पर दूर हो जाता है। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आचार्य जी आएंगे, फिर एक नया हमको यहाँ पर उपाय बताएंगे जो आपके घर का जो वास्तु दोष है उसे दूर कर सकता है। फिलहाल हम, इससे पहले कि आपसे इजाजत लें, उससे पहले हम आपको बता दें अपना ईमेल आईडी aapka.vastu@network18online.com। आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम और अपना जहां आप रहते हैं उस जगह का पता लिखना ना भूलें, साथ ही साथ नक्शा भी आप उसके साथ हमें भेजना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप मुझे और आचार्य जी को, दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।